भोजपुरी हीरोइनों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। तो वहीं आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भोजपुरी की टॉप हीरोइन अंजना सिंह के सौतन से मिलवाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि अंजना सिंह की शादी तो हुई थी पर उनका तलाक हो चुका है, और अंजना की शादी किससे हुई थी ये भी आपको जानने को मिलेगा। और वहीं अगर आप सभी अंजना की सौतन से मिलना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना ना भूलें। और वहीं अगर आप में से किसी को भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ प्रमोट करवाना है, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और आप सभी को हम मिला देते हैं अंजना सिंह की होने वाली सौतन से। तो उससे पहले आप सभी जान लीजिए कि भोजपुरी क्वीन अंजना सिंह की शादी भोजपुरी एक्टर यश कुमार मिश्रा से हुई थी, पर इनकी शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और उनके बीच बातें बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया और कुछ दिन इन्होंने तलाक ले लिया। तो वहीं इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है जिनका नाम अदिति है, और वहीं अब मिली अंजना सिंह की होने वाली सौतन से तो वो कोई और नहीं बल्कि निधि झा है। जी हाँ, निधि और यश के प्यार की चर्चाएँ तो किसी से भी छिपी नहीं है और दोनों को लेकर काफ़ी खबरें भी आती है। तो वहीं अंजना और निधि के बीच भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, भले ही निधि का रिश्ता यश के साथ कैसा भी हो, पर निधि और अंजना काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। और इतना ही नहीं, अंजना और यश भी अभी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि उनकी बेटी को एक माता पिता का प्यार की बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से रहते हैं ताकि उनकी बेटी को माता पिता की कमी ना महसूस हो। तो देखा आप सभी अंजना की सौतन को, तो आप सभी को क्या कहना है इसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वहीं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।